दौसा में भी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। जिले में 11 जगहों पर कैंप आयोजित हुए। कैंप में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भाग लिया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि पूरे जिले में शिविर के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखो, जितने भी हमारी सरकार की फ्लैगशिप की योजनाएं थी उसमें बहुत से लोग ऐसे जो उन योजनाओं से वंचित थे, और बहुत सी योजनाएं हमने इस बजट में लागू करी है। जैसे पेंशन 750 करी है, बिजली हमने 50 यूनिट से 100 यूनिट करी है, घरेलू बिजली अपने किसानों के लिए 1000 यूनिट बिजली करी है, अपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसमें बीमा तो कर दिया, दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया, इलाज के लिए 25 लाख कर दिया। तो सारे इतनी ज़्यादा हमारी योजनाएं, विशेषकर 10 योजनाओं को हमने इसमें फोकस किया है। कई लोग पेंशनों से वंचित हैं, उनके भी प्रशासन गाँव के संग जो अभियान है वो भी सारे इसमें सम्मिलित किया है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक काम सरकार के द्वारा किया गया, और प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा लाभान्वित होगा, ऐसा कोई घर या परिवार नहीं रहेगा जिसको हमारी योजना का फायदा नहीं मिला। पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में SDM कैंप प्रभारी हैं और वो पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं जैसे जैसे सरकार के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप। शहर के बीच में EO नगर पालिका और CO नगर परिषद जो है उनको कैंप प्रभारी बना रखा है। हर जगह पूरे जिले के बीच में आज कैंपों का शुभारम्भ हो रहा है, और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, प्रधान जी हैं, प्रमुख जी हैं, वो उन सब लोगों से शिविरों का प्रारंभ कराया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो लोगों में काफ़ी रुचि है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारे लिए अब एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि भीड़ को कैसे मैनेज करें और लोगों का कम से कम समय में कैसे उनको फ्री कर दें।